नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है 5 मिनट में 25 बड़ी खबरों का। उद्योगों के लिए भारत सबसे पसंदीदा विनिर्माण गंतव्य के रूप में उभर रहा भारत, बोली राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। किरण रिजिजू का विपक्ष पर वार, कहा इको सिस्टम भड़क गया, ये लोग विदेशी समाचार एजेंसियों पर भरोसा करते हैं। नागालैंड में कांग्रेस नेता जयराम रमेश का दावा, बोले बीजेपी सरकार धारा 371A को भी खत्म कर सकती है। ममता बनर्जी का दावा, बाढ़ रोकने के लिए बनाए गए प्लान में केंद्र सरकार नहीं दे रही फंड। नीतीश के मिशन 2024 की राह पर तेजस्वी, बीजेपी को रोकने के लिए विपक्ष को एकजुट करने में लगे डिप्टी सीएम। सीएम योगी के भारत हिंदू राष्ट्र बनने के दावे पर राम गोपाल यादव ने कसा तंज, कहा देश पहले जैसा था वैसा ही रहेगा। सपा ने नेताओं पैनलिस्ट को दी नसीहत, धार्मिक मुद्दों में ना उलझे, बुनियादी सवालों पर करें बहस। पागल हाथी ने 3 को कुचल कर मार डाला, गोरखपुर में कलश यात्रा में बुलाया गया था, 5 घंटे में पाया गया काबू। मस्जिद में तोड़फोड़ लगाए गए श्री राम के नारे, वीएचपी और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने रोका काम। सौ करोड़ छात्रवृत्ति घोटाले में ईडी की छापेमारी, दिसंबर 2022 में दर्ज किया था मामला। इजरायली हैकर्स की 30 देशों के इलेक्शन में दखल अंदाजी, भारत यूएस और यूके भी शामिल, कांग्रेस बोली लोकतंत्र खतरे में। बाइडेन का बड़ा बयान, बोले फ्लाइंग ऑब्जेक्ट मार गिराने पर अफसोस नहीं, चीन से कोल्ड वॉर नहीं चाहता। जहर देकर की थी मशहूर कवि पॉल्वो नेरुदा की हत्या, मौत के 50 साल बाद वैज्ञानिकों की रिपोर्ट में खुलासा। ओसामा का वफादार रहा सैफ अल आदेल बना अलकायदा चीफ, अमेरिका ने इस बार रखा था 85 करोड़ का इनाम। यूक्रेन ने रूस के 6 जासूसी बैलून मार गिराए, एयर डिफेंस सिस्टम की लोकेशन ट्रेस कर रहे थे, रोमानिया बोला ये हमारे यहाँ भी दिखे। क्रिकेटर पृथ्वी शॉ से हाथापाई करने वाली लड़की गिरफ्तार, सेल्फी को लेकर भी सड़क पर हुआ विवाद। रणजी ट्रॉफी फाइनल के पहले दिन बंगाल ऑल आउट, उनाडकट साकरिया ने लिए 3-3 विकेट। पहली बार फीफा वर्ल्ड कप खेल सकता है पापुआ न्यू गिनी, महिला फुटबॉल टीम अपने दम पर वर्ल्ड कप क्वालिफायर की तैयारी कर रही। गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा की हार्ड ट्रेनिंग, साउथ अफ्रीका में अभ्यास की वीडियो डाली। महान भारतीय फुटबॉलर तुलसीदास बलराम का 87 साल की उम्र में निधन। इकोनॉमी क्लास में ट्रेवल करती दिखी दीपिका पादुकोण, वीडियो देख फैंस ने की सादगी की तारीफ। सिजान की जमानत याचिका पर बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई, पुलिस ने तुनिशा शर्मा सुसाइड केस में 500 पेज की चार्जशीट दाखिल की। हार्दिक नताशा के लिए 7 फेरे, हिंदू रीति रिवाज से शादी करने की तस्वीरें आई सामने। स्वरा भास्कर ने सपा नेता फहाद से शादी की, 2 हफ्ते पहले फोटो पोस्ट कर
के दी थी शादी करने की सलाह। बुर्ज खलीफा पर दिखाया गया शहजादा का ट्रेलर, दिल्ली के इंडिया गेट से लेकर दुबई तक प्रमोशन करने पहुंचे कार्तिक आर्यन। पांच मिनट की 25 बड़ी खबरों में इतना ही, आगे आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।